हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लेकर आई हूँ सॉफ्ट स्पंजी बनी हुई इडली की रेसिपी। तो मैं बनाने वाली हूँ तिरंगा रेसिपी 26 जनवरी के शुभ अवसर पर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तिरंगा इडली के बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप सूजी। तो यहाँ पर आप सूजी को मिक्सर जार में डाल के बारीक कर सकते हैं, नहीं तो मोटी वाले भी ले सकते हैं चलेगा। उसके बाद मैं वही कप से ले रही हूँ 1/2 कप दही। तो दही हल्का सा यहाँ पर खट्टी है, मीठी वाली मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। और 1/2 कप पानी डालेंगे, थोड़ा सा मैंने पानी बचा लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और भी ऐड करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़रूरत पड़ी है, थोड़ा सा मैंने और पानी ऐड किया है। और सभी को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो सूजी और दही को मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम रखेंगे रेस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर ढक कर रख रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। टोटल मैंने यहाँ पर 20 मिनट के लिए रखा था। तो देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है, जो पानी एक्स्ट्रा था वो सूख चुकी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच से डाल दे रही हूँ पानी और बढ़िया से यहाँ पर मिक्स करूँगी। तो मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर 3 भाग में इसे डिवाइड करेंगे। 1 भाग में हमें रखना है वाइट, उसके बाद 2 भाग में हम रखेंगे आप ऑरेंज और ग्रीन। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 से 3 बूंद में हमें डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर। ये खाने वाला कलर है, आप चाहे तो डाल सकते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो आप पालक साग के पीस के उसका पेस्ट बना के रस निकाल के आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा फिर से मैं डाल रही हूँ 3 से 4 ड्रॉप ऑरेंज कलर। इसे भी हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। देखिए बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। और व्हाइट वाली में हमें कुछ भी नहीं डालना है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम हल्का सा पतला करें, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा गाढ़ी लग रही थी। तो देखिए मैंने यहाँ बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो तिरंगा यहाँ पर इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तीनों कलर अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है इडली का प्लेट है, उसमें हम डाल देंगे तेल। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, हल्का सा ग्रीस कर लेना है ताकि चिपकेगी नहीं, निकालने हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ फुलाने के लिए इनो में डाल रही हूँ। तो 1 पैकेट में हमें यहाँ पर 3 डिवाइड करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा क्वान्टिटी हम डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ज़्यादा मिक्स कर नहीं करना है, नहीं तो जो भी इसमें झाग बन रहे ख़त्म हो जाएंगे। तो बस इसे हम फटाफट करेंगे मिक्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तीनों कलर का। तिरंगा इडली बनाने में यहाँ पर आपको अपना हिसाब से यहाँ पर कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले ऑरेंज दे रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर ग्रीन भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ ऑरेंज वाली। उसके बाद मैंने व्हाइट वाली डाल दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी ग्रीन वाली। उसके बाद यहाँ पर आप डिज़ाइन अपना मन से कर सकते हैं, जैसे आपको मनपसंद डिज़ाइन हो। दूसरी वाली सेम इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी प्लेट में डाल के अच्छी तरह से रेडी कर लिया, बिल्कुल इस तरह लग रही है। तो दूसरी डिज़ाइन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है ग्रीन वाली, 1 चम्मच मैंने डाला है थोड़ा सा कम व्हाइट वाली, उससे भी थोड़ा सा कम डाला है ऑरेंज वाली। उसके बाद हमें यहाँ फिर से ग्रीन डालना है, थोड़ा सा व्हाइट डालना है, उसके बाद थोड़ा सा डालना है ऑरेंज वाली। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है 1 स्टिक और इस तरह से हमें डिज़ाइन बना लेना है। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट, आप एक बार इस तरह लंबाई खींचेंगे और स्टिक को साफ़ करेंगे, एक बार खींचेंगे इस तरह साफ़ करेंगे, इस तरह से आपको करना है, नहीं तो डिज़ाइन आपकी परफेक्ट नहीं बन पाएगी। इन बातों का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से बन जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बनाया है। अगर आपको और भी अच्छे डिज़ाइन आते हैं तो आप बना लीजिएगा। देखिए मैंने रेडी कर लिया बना के। तो चलते हम स्टीम करने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पर इडली कुकर में पानी गिलास डाल दिया था और गर्म होने के बाद दोनों स्टैंड हैं यहाँ पर हम डाल देंगे और ढक्कन लगा के हम 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर टोटल 20 मिनट के लिए पकाया था इन्हें और धीमी आँच पर मैंने पकाया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके। देखिए स्टिक मैंने डाल के देखा था, बिल्कुल क्लीन है, मतलब पक चुकी है। गैस को बंद करेंगे, स्टैंड नीचे रखेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। आपको यहाँ पर गर्मा गर्म नहीं निकालना है, ठंडा होने के बाद निकालिएगा, तभी आपकी इडली जो है अच्छी तरह से परफेक्ट निकल पाएगी। तो मैंने यहाँ पर नुकीला चम्मच लिया है और इस तरह से हम धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर निकाल के रेडी करेंगे। इतना सॉफ्ट इडली बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। आप अपना मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को प्लेट में निकाल लिया है, बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पर सभी को निकाला था। तो कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट जरूर बताइएगा और 26 जनवरी के अवसर पर आप ज़रूर से बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पर टमाटर सॉस के साथ रखा है, आप चाहे तो नारियल चटनी हो, चने दाल का चटनी हो, किसी साथ में इन्जॉय कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तभी मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे तोड़ लिया है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कलर आया है। एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।